पूरी पूरी बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी यही फोन पे बात कर रहे थे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो फोन को कान से चिपका के ही घूमता रहता है। तुम्हारे जय भैया कहाँ है? यहाँ की औरतें भी मारने में एक्सपर्ट हैं। थप्पड़ किस खुशी में मारा? किस्मत अच्छी है, सिर्फ थप्पड़ मारा। एक बात बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? अब भाई का दोस्त तो भाई हुआ ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी। अब दोस्त की बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लगा? पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है, आपकी साली को चारा बनाना पड़ा हा? तब जाके ये सुधरा। यानी कि छोटा ना, मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है, ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई, साला ठरकी गुंडा कहीं का। अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीजधार फंसे नैया हूँ, तुम खिवैया हो, नैया पार लगा देना। जी 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 जी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। माधव ने तो उसे समझाया था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा, वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। पर जी जी, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। भाई जब आप पड़ोस के गांव वालों को मारने जाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे उस सड़क के नीचे आ तो पहले। कौन? मैं? हाँ तू। हाँ ठीक है। अरे जल्दी आना। चल। कहाँ चलूं? कहाँ ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी ना। उनसे कहना आज के बाद तू अपने मरे हुए बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जिंदा रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ तू मुझे अकेला ही छोड़कर जा रही थी माँ? नहीं माँ, आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा माँ। आज के बाद मैं माधव भैया के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो माँ। भैया भैया आप ही माँ से कहो ना कि आज के बाद मैं माँ की हर बात मानूंगा। आज से आप जैसा कहेंगी ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी दूसरे गांव जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और सुकून की जिंदगी बिताइए। नहीं नहीं बेटा, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए। दिल कर रहा है कि सीधा उड़कर तुम्हारे पास चलाऊं। नमस्ते, एक बात कहूं, वो क्या है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही सेलफोन है, फोन ट्राई कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी है, लेकिन ये दो दिन से फोन से चिपका हुआ है। ये मेरी साली से क्या काम की बात कर रहा है? अंकल नया नया प्यार है, बात करने दो, आप जाके फोन मांगिए, दे देगा आपको। ठीक है। नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने दिल से चिपकाए रखूं। कौन है? अब एक मिनट डार्लिंग। बहुत दिनों से बीवी से बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, उसका हालचाल पूछना है। एक मिनट रुको। माधवी तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं।
वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं, हैं? अब जाओ। जरा सुनो ना। बोलो डाली। मैं भी अच्छा हूँ, बोलना है। प्रताप जी भी बहुत अच्छे हैं, बोल दिया। हाँ जा। साला मुझे बात नहीं करने, बाद में बात करूंगा क्या? ओके ओके। मालिक, मालिक, क्या हुआ? मुझे लगता था कि आप लोगों को दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर आप तो गरीबों के देवता हैं, उनके मसीहा हैं। मेरे पति की मौत आपकी वजह से हुई और मैं इसी वजह से आपको कोसती थी, पर मैंने आपको और आपके परिवार को कोसकर बहुत गलत किया। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपकी वजह से अब मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिएगा और इसकी अच्छी जिंदगी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई जिंदगी दी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और आबाद रहे। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था। बदले की आग में मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मैंने कितनी बड़ी गलती की। पहली बार किसी ने हमारे परिवार को अच्छा कहा। जिस परिवार को गालियां दी जाती थी, आज उसे दुआएं दी गई। मैं जानता हूं यह सब तुम्हारा किया धरा है। मदद तुमने उनकी की और नाम हमारा क्यों लिया? अंकल, वो आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के रहमो करम पर जीते हैं। अगर मेरी तरह एक अजनबी उनकी मदद करता तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा थैंक यू बोल देते। लेकिन अगर आपने उनकी मदद की तो उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जानते हैं यहाँ के गांव वाले अपनी हर मुसीबत में आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हैं, इसलिए क्योंकि इस परिवार में आप बुजुर्ग हैं। अंकल, ताकत लोगों को दबाने या उन पर काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं बनते जब लोग हमारे कहने पर अपनी जान न्योछावर करते। हम महान तब बनते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हाय जय। हाय। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना, तुम मेरे घर में आखिर आए क्यों? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाऊंगी, वो भी अपने गांव की, अच्छे से देखना। अच्छा बताओ, यहाँ से कैसा नजारा लग रहा है? वाह, सुपर्ब लोकेशन। कितना अच्छा होता अगर तुम समझ पाते कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो कितना हरा भरा है ना। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। कितने हरे भरे खेत है ना। खेत? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। Beautiful. तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। ओ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ये वाला हिस्सा देखो कितना खुला खुला है ना। बस इस उपजाऊ जमीन पर पानी की जरूरत है। हाँ, तभी तो हमारे खेत हरे भरे होंगे ना। अच्छा, उसके लिए तो पहले हल चलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इलाके मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है?
अब जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ डोनेशन से ही होंगे। ओके सर। आप यहां? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवाते मैं आ जाता। ये हमारी बच्ची है, इसे समझाया था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और कॉलेज का नाम भी रोशन हो। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं सर, सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची हैं। डोनेशन? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह एक सीट का इंतजाम करो, समझे? सर, अगर मैं ऐसे ही सीट देता रहा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। पढ़ाई को धंधा बना रखा है, दारू की दुकान खोल लो, उससे पैसे कमा लेना। कल से ये पढ़ने के लिए यहाँ आएगी, इसे देखकर दूसरे और गरीब बच्चों की पढ़ने की इच्छा होगी। हर किसी के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा पढ़ो लिखो और आगे जाकर इसकी तरह बनो। ओ मालिक।